अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। आज मैं एक आपके लिए नई डिश बना रही हूँ जो कि है मुट्ठी कबाब। मैं इसको चिकन के कीमे से बना रही हूँ, आप इसको बीफ के कीमे से भी बना सकते हैं। तो मैंने चिकन का कीमा लिया है आधा किलो, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, 5 मैंने टमाटर लिए थे जिन्हें मैंने ब्लेंड कर लिया है, और इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च जाएगी, गरम मसाला इसमें जाएगा, नमक हसबे जायका। ये जो मसाले हैं जो अभी मैंने आपको बताए हैं वो मैं चिकन को चॉपराइज करते हुए इसमें डालूंगी। सबसे पहले हम चॉपर में कीमा डालेंगे, उसके बाद इसमें जितने मैंने आपको मसाले बताए हैं वो सब इसमें हम ऐड कर देंगे और कीमे को अच्छे तरीके से पीस लेंगे। कीमा अच्छे तरीके से पिस गया है, आप ये देखें बिल्कुल मुलायम सा ये कीमा हो गया है। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। थोड़ा सा मैं ऑयल ले रही हूँ अपने हैंड पे, और इसको हम ऐसे इस तरीके से हम इसके सब कबाब इसके तैयार कर लेंगे। मुट्ठी कबाब बिल्कुल तैयार है, आइए अब इसका मसाला तैयार करें। जी व्यूअर्स, पहले तो आपको ये बता दूं कि 14 अगस्त की खुशी में बच्चों ने बहुत हंगामा किया हुआ है, बहुत सी आवाज़ें आपको सुनाई दे रही होंगी, तो ये एक लिहाज से अच्छी बात भी है कि हमारी आज़ादी का दिन है तो हमें उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। तो रेसिपी की तरफ आते हैं, मैंने एक कढ़ाई में 1/2 कप ऑयल लिया है और इसमें मैं लहसुन डाल रही हूँ 1 टीस्पून। लहसुन को हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें मैं टमाटर का पेस्ट डालूंगी, और इसको हम तेज आंच पे पकाएंगे जब तक टमाटरों का पानी ड्राई हो जाएगा और मसाला तैयार हो जाएगा। इसमें मैं कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी, नमक ऐड करूंगी और गरम मसाला डालूंगी। टमाटरों का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है और ये अच्छे तरीके से भून गया है, ऑयल ऊपर आ गया है। टमाटरों का मसाला भूनते हुए मैंने इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें डाली थी, हसबे जायका नमक डाला था और 1/2 टीस्पून इसमें मैंने गरम मसाला शामिल किया था। अब मैं इसमें कबाब डालूंगी। इसको मैं 3 से 4 मिनट इसके ऊपर कवर लगा के इसको ढक दूंगी और इसे हम हिलाएंगे नहीं, क्योंकि हिलाने से फिर कबाब टूट जाते हैं। जी व्यूअर्स, कबाब को मैंने मसाले में 3 से 4 मिनट के लिए दम दे दिया था ताकि थोड़ा सा मसाला मिक्स हो जाए कबाबों में। इसके बाद इसको हम इस तरीके से चलाएंगे, इससे कबाब टूटेंगे भी नहीं।
इसके बाद मैं इसमें 1/4 कप पानी शामिल कर रही हूँ। और इसको अब मैं ढक कर 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको मैं पकाऊंगी। मुठ्ठी कबाब बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसमें हरी मिर्चें डालूंगी। जूलियन कटी हुई अदरक, और इसको हम धुआं देंगे। जी व्यूअर्स, इसको अब मैं कोयले का धुआं दे रही हूँ। चार से पाँच मिनट इसको कोयले का धुआं देकर फिर इसको हम डिश आउट। मज़ेदार मुट्ठी कबाब तैयार है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।